नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का वैकनिक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो जितनी लंबाई रखनी है उस हिसाब से हमने कट कर लिया है। शोल्डर इसका 5.5 इंच लिया है, तैयार लंबाई इसकी 13 इंच होगी, तो 1 इंच ज़्यादा कट किया है। आर्म होल 6.5 इंच कट किया है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। अब देखिए चौकोर गले का डिजाइन है, 34 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज है। अब इसे सीधा इस तरह से बिल्कुल सीधा निशान बना देना है। 2.5 इंच पर ये सीधा निशान इस तरह से बना दिया है। अब इसको पूरा कट कर देना है। अब इसे कपड़े पर रख के कट कर लेना है। इस तरह इसे कट कर लिया है। तो इस तरह दोनों पार्ट अलग कर लेने हैं। तो इस तरह देखिए सिलाई लगा दी है। इसको पलट कर सीधा करना है। पलटने के बाद इस पर सिलाई लगा देना है। इस तरह देखिए सिलाई लगा दी है। तो अब देखिए इस तरह से कपड़ा कट करके लेंगे बिल्कुल सीधा। चौड़ाई हमने इसकी 2.5 इंच ली है और लंबाई ज़्यादा ले लेना है। इस तरह डबल फोल्ड करके 8 इंच ली है। अब देखिए इस पर दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे। अब देखिए इसको इस तरह से पलट लेना है। इसी तरह इसको भी पलट लेना है। इस तरह देखिए पलटने के बाद इसको बिल्कुल बराबर से इसको बांधना है। धागे से इसको इस तरह से बांध देंगे। तो इस तरह देखिए बांध दिया है। अब एक बटन लगाना है इसके ऊपर। तो इस तरह से बटन को अच्छे से लगा देना है।
तो इस तरह देखिए दोनों को अच्छे से बना लिया है। तो इसी तरह हमें तीन डिजाइनें लेनी है, तो एक हमने बनाकर और तैयार कर ली है। अब इसको सेट करना है गले पर। तो इस तरह देखिए इसे सेट कर दिया है। अब गले पर लेस लगा देंगे। आधा इंच की दूरी पर एक बार और लगा देना है। इसी तरह दूसरी साइड भी लगा लेना है। तो इस तरह देखिए दूसरी साइड भी लेस लगा दिया है, तो डिजाइन बनके तैयार है। तो इस तरह आप चौकोर गले का बहुत ही आसान और सुंदर सा डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।